नमस्कार किशोर साउन और कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे लाइनरी JBL VRX 932 932 JBL VRX 932 बनाएंगे। देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, JBL का VRX 932 दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब फ्री में कर सकते हो, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं बोलूँगा, देखिए लाइनरी VRX 932 ये, इसको सबसे पहले हम लोग, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए केवल इस यहाँ पर लाया था। इसमें जाली खोल दिए हैं, JBL का जाली दिख रहा है आपको, खोल दिए हैं ये फ्लायर, ये फ्लायर भी खोल दिए हैं, ठीक है। फ्लायर इस तरह का रखता है, ये रेडीमेड मिलती है, मार्केट में मिल जाएगी। और पीछे में ये प्लेट लगता है, यहाँ पर इधर में आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे प्लेट लगता है, ये प्लेट बड़ी वाली JBL का प्लेट है, देख लीजिए, ठीक है। इसको भी खोल लिए हैं। सबसे पहले अब बोलेंगे क्या, डीप कितना रखना है, डीप कितना रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डीप कितनी रखनी है। डीप रखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। डीप हम लोग को रखनी है 16 इंच, ठीक है, मैं स्क्रीन में लिख दूंगा, डीप रखनी है हम लोग को 16 इंच, ठीक है। और पीछे में आपको रखनी है 9 इंच, पीछे में जो परसेंट, पीछे में जहाँ प्लेट लगती है उस वहाँ पर आपको 9 इंच रखनी है, केवल 9 इंच रखनी है, 9 इंच, केवल 9 इंच रखनी है। इसकी लंबाई जितनी भी हो सकती है, ये अभी 24 इंच है, ये अभी 24 इंच है, ये जितनी भी हो सकती है, इसका कोई इतना होगा बोल के कोई मने नहीं होता है। इसमें पहले फ्लायर कितना है, पहले आपको फ्लायर माप लेना है, फ्लायर यहाँ पर फ्लायर मापना है, उसके बाद में प्लेट छोड़ दीजिए, जाली बस। आपको ये रेडीमेड लेना है, आगे का परसेंट जितना भी होगा ये सब रेडीमेड होगा, इसमें कोई माप होगा नहीं। फ्लायर जितना बड़ा है उतनी बड़ी आपको मेजरमेंट पे काटनी है, इसको काटना है, और जाली जितनी बड़ी होगी इसी के मेजरमेंट में आपको काटना है, ठीक है। आगे के लिए जैसे रेडीमेड माल मिलता है वैसे ही आपको काट के बनाना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी कर दो। आपके लिए मैं बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूँ भाई, अभी तक मेरा सब्सक्राइब बहुत अधिक हो जाना चाहिए था, सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहा है, डेली 5-10 सब्सक्राइब बढ़ रहा है। आप लोग तो शेयर करते नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और एक तो चीज नया क्या किए हम लोग, आपको मैं पहले नज़दीक से दिखाता हूँ इसको। इसमें यहाँ पर जो लगता है ना, वहाँ पर हैंडल लगती थी, पहले हैंडल लगती थी, यहाँ पर क्लेम लगती थी इस तरह से, ठीक है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पर एक क्लेम लगती है ऐसा, ये लंबा एक क्लेम लगती है, ये क्लेम हम लोग अभी लाए नहीं है, मेरा गुडाउन में है क्लेम, ठीक है। और हैंडल को हटा के हम लोग इसमें कवरिंग कर दिए हैं, हैंडल पुराना होने में भर 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 करता है, इसीलिए हम लोग हैंडल का सिस्टम ही हटा दिए हैं। मेरा कोई भी बॉक्स में हैंडल रहता नहीं है अभी, देखिए इस तरफ भी कवरिंग कर दिए हैं, इधर में क्लेम लगता है, लाइनरी में जो हैंगिंग के लिए क्लेम लगता है, इसमें झुलाने के लिए जो क्लेम लगती है, अंदर का दृश्य देखिए, ये इंडियन प्लाई में मीडियम क्वालिटी का लाइनरी है। इसमें जो है ना, इसमें मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जो है ना, ये इसमें 1.5 इंची का गुलाई होता है। मैं आपको फिर मैं क्लियर दिखा दूंगा आपको, डेढ़ इंची का एयर गैप देना है आपको, 1.5 इंची का राउंड काटना है, 1.5 इंच राउंड करके काटना है,
ठीक है। और इसमें आपको फ्लैप जितना बड़ा होगा इतना गैप रखना है। स्पीकर 12 इंच का स्पीकर होगा, 11 इंच में काटना है, माने स्पीकर माप से काटना है। और पीछे का परसेंट क्या होता है, पीछे में जो पीछे का पीछे होता है, पीछे आपको प्लेट जितनी बड़ी होती है, ये प्लेट जितनी बड़ी होती है प्लेट की माप से काटना है। ये प्लेट जितनी बड़ी होती है प्लेट का माप से काटना है। माने बनाने में कोई उतना नौछाव नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। मुझे एक आदमी सब ये सब माल छिपा के बनाते काहे है, हाँ वो लोग केवल क्वालिटी छिपाने के लिए बनाते हैं। क्वालिटी वो लोग का क्वालिटी एकदम जीरो बटा नील है वो लोग का क्वालिटी। मार्केट में जितनी लाइनें नहीं मिलती है सबकी क्वालिटी छैया छैया है। मेरी देखिए लाइनरी में भी इसमें अंदर में कोई कवरिंग दिया नहीं है, मेरा कोई भी कैबिनेट में अंदर से कवरिंग मिलता नहीं है देखिए। और आप आपका पास जो लाइनरी पड़ा होगा, आपका पास जो लाइनरी होगा उसमें देखिए अंदर में बटम शटम दे के माने बहुत सारा कवरिंग होगा आपका। देखिए हम लोग का कोई कवरिंग नहीं रहता है, तब भी मेरा रिप्लेसमेंट गारंटी है। मेरा कोई भी कैबिनेट, मेरा हाथ का बनाया हुआ कोई भी कैबिनेट 2 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। यूट्यूब इतिहास में फर्स्ट टाइम है भाई, इतनी अच्छी तरह से कोई नहीं समझाएगा। ये आप लोग पूरा यूट्यूब को खंगाल के देख लो, इतनी अच्छी तरह से आप लोग को कोई नहीं समझाएगा बॉक्स किस तरह घर में बनाएंगे आप लोग, ठीक है। और क्या दिखाना है मुझे इसमें, अब इसको सीधा कर देंगे, ठीक है, इसको सीधा कर देंगे। कैमरा को भी थोड़ी सी सीधा कर दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसमें फिटिंग कर देंगे, इसको फिटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा दिखता कैसा है लाइनरी। देखिए फिनिशिंग मैं आपको अभी दिखाता हूँ जाली लगाने के बाद में। मैं आपको अब नजदीक से दिखाऊंगा, देखिए लाइनरी, देखिए लाइनरी इस तरह का फिनिशिंग देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग है। इसमें अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, इसमें स्टेन के लिए कटिंग माने कटिंग और एक तो कटिंग होगा, यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं है। आप लोग बहुत सारे भाई मुझे कल कमेंट में लिखे थे, जब मैं कल लाइव आया था कमेंट में लिखे थे भाई लाइनरी का एक तो भेजो लाइनरी 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 बोल के, इसीलिए मैं आज तुरंत कंप्लीट हुआ ही नहीं था तब भी एक तो वीडियो बना लिया आप लोग के लिए, ठीक है। देख लीजिए फिनिशिंग देखिए, यहाँ पर फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है देखिए, ठीक है। जाली जैसी घूमिए देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी है, देखिए प्लेट पीछे के फिनिशिंग देखिए और इस तरह पे फिनिशिंग देखिए, एकदम एक्यूरेट ओरिजिनल जैसा दिख रहा है आपको। मेरा पूरा काम स्क्रू का बना हुआ है, वो भी फिंगर जॉइंट में, विथ फिंगर जॉइंट डबल 18 mm का प्लाई में बनाया हुआ है। माल भी उतना भारी नहीं है, मेरा लाइट वेट है, माल उतना भारी नहीं है। जो लाइनरी कैबिनेट एंड BRX 932 वो काफ़ी हल्की लगी मुझे, दूसरों का देख के मुझे काफ़ी हल्की लगी। कैबिनेट एनी टाइम हल्का ही होना पड़ता भाई, भारी अगर आपको भारी कैबिनेट चाहिए तो आप लोग लोहा का कैबिनेट बना लो, आपको भारी मिल जाएगी कैबिनेट। लाइट वेट जितनी लाइट वेट उतनी अच्छा, ठीक है। हो सकता है मुझे आप लोग से बेसी जानकारी हो या मुझे आप लोग से कम जानकारी है, यही दो बात तो हो सकती है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता भाई, मुझे भी कुछ सब्सक्राइब 1-2 लाख तो बना दो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइनरी में अभी तक इतनी विस्तार रूप से कोई भी वीडियो बनाया नहीं है लाइनरी। यहाँ पर फिर से मैं आपको इंची टेप में दिखाऊंगा, इंची टेप जैसे कि मैं आपको क्या समझा रहा था, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फुट 1 इंच माने 2 फुट 1 इंच कहने का मतलब कितना हुआ 25 इंच, ठीक है।
दो फुट एक इंच कहने का मतलब 25 इंच है ऊपर में, आपको 25 इंच नहीं रखना है। आगे जाली जाली फिटिंग करिए, उसके बाद में फ्लायर फिटिंग करके जितना बचेगा उतना ही छोड़ दीजिए। इसको मेजरमेंट एक्यूरेट करने का कोई दरकार नहीं है आगे में, ठीक है। आगे का परसेंट जो सामान रहता है, जो मटेरियल रहता है, वही हिसाब में हम लोग को काटना है। खाली हम लोग को केवल इम्पोर्टेंट है डीप, डीप कितनी रखनी है, साइड से कितनी रखनी है, नीचे से कितनी रखनी है। नीचे से यहाँ पर नीचे से 15.5 इंची बनती है, ऊपर से भी 15.5 इंची बनती है। बीच से आप लोग मापोगे, बीच से मापोगे तो आप लोग का 16 इंच बन जाती है एकदम, क्योंकि थोड़ी सी उभरी रहती है यहाँ पर। ये चीज़ आपको केवल ख्याल करना है और बाकी बात बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसमें आप लोग को मैंने हैंगिंग लगा सकते हो बाद में। कैबिनेट बहुत क्वालिटी के बनाते हैं भाई, बहुत सारे क्वालिटी क्वालिटी बहुत क्वालिटी है। और क्या बोल सकते हैं, मैं एक मिनट, आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है भाई। लाइनरी का BRX 932 आप लोग देख चुके हैं, ठीक है।